नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो यार अब जो है मुझे लगता है कि आदत हो गई है आप सभी का जो है थैंक यू बोलने की, क्योंकि भाई आपने जो है कल के वीडियो में भी 2K लाइक को पार कर दिया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो है दिखाता है कि आप सभी लोग जो है क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं, क्रिकेट की रोजाना न्यूज पाते हैं तो आप जो है वीडियोस को लाइक कर देते हैं। आज भी जो है आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को भी जो है आप 2K लाइक तक पहुंचाएंगे आपको अगर अच्छी लगती है तो। और उसके पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुत लोग के पास जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ पाती, तो भाई उसके लिए आप जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बाजू में जो है नोटिफिकेशन बेल दिया है उस पर दबाइए और वहां पे जो है सिलेक्ट ऑल को कर लीजिए, तब जो है आपके पास बराबर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। शुरुआत करते हैं भाई आईसीसी T20 2020 के। यहाँ पे से जो है पहले 4 टीम ने क्वालिफाई किया था, लेकिन अब जो है और 2 टीम ने क्वालिफाई कर दिया है, उनका नाम है स्कॉटलैंड और ओमान। यहाँ पे जो है कुल 6 टीम क्वालिफाई कर चुकी है, पीएनजी, आयरलैंड, नेदरलैंड, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान। ठीक है, ये जो है 6 टीम क्वालिफाई कर चुकी है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 में। अब बात करते हैं भाई ये टीम कहाँ पे पहुंची है। तो दोस्तों ये जो है कुल 6 टीम पहुंच चुकी है ग्रुप स्टेज में, जहाँ पे जो है ऑलरेडी श्रीलंका और बांग्लादेश मौजूद है। मतलब कि ये 6 टीम तो पहुंच गई, उसी के साथ जो है 2 और टीम श्रीलंका और बांग्लादेश भी ग्रुप स्टेज में मौजूद है। मतलब कि ग्रुप स्टेज में जो है कुल 8 टीम मौजूद है। सबसे पहले जो है ग्रुप स्टेज में 8 टीम का आपस में मुकाबला होगा और ये 8 टीम में से जो है कोई 4 टीम आगे जाएगी और ये 4 टीम बाकी घर जाएगी। तो दोस्तों वहां पे जो है ग्रुप स्टेज में से 4 टीम क्वालिफाई करेगी सुपर 12 में, जो कि T20 का मेन राउंड होने वाला है, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ पे जो है सबका मुकाबला फिर होता हुआ दिखाई दे। तो भाई यहाँ पे जो है मुझे बहुत लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई आखिरकार पिंक गेंद से डे नाइट टेस्ट बॉल का मुकाबला कितने बजे चालू होगा। देखो तो यहाँ पे जो है इंडिया में इसकी जो टाइमिंग थी वो थी 2:30 बजे, मतलब कि 2:30 पे दोपहर को ये मुकाबला चालू होने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो है बंगाल में मुकाबला हो रहा है वहाँ पे जो है कोलकाता ने इसको जो है शिफ्ट करके दोपहर को 1:30 बजे रख दिया है। मतलब कि 22 नवंबर को जो है हमको डे नाइट टेस्ट मुकाबला दोपहर को 1:30 बजे चालू होता हुआ दिखाई देगा, जो कि रात को 8:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। इसको लेके जो है एक और खबर आ रही है पिंक बॉल को लेके, जिसको लेके जो है हमारे प्रेसिडेंट सौरव गांगुली जो है तैयारी जोर शोर से चालू कर दी है, जिसके लिए जो है गांगुली ने मतलब कि 72SG कंपनी की पिंक गेंद मंगाई है। जी दोस्तों, यहाँ पे जो है पिंक गेंद SG कंपनी की मंगाई गई है, ना कि कुका बुरा। तो भाई जो लोग जो है सोच रहे थे कि डे नाइट टेस्ट में जो है कुका बुरा गेंद से होगी, वो बिल्कुल गलत है। गांगुली ने जो है कुका बुरा गेंद को नहीं चुना, उन्होंने जो है SG गेंद को चुना है इस डे नाइट टेस्ट मैच के लिए। आप दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भाई ऑस्ट्रेलिया के खेमे से, जहां पे दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने जो है अपना नाम वापस ले लिया है T20 के अंतर्राष्ट्रीय से, क्योंकि उनको जो है थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस इश्यू है। यहाँ पे जो है आपने बिल्कुल सही सुना कि जो ग्लेन मैक्सवेल है वो भाई थोड़े समय के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक ले चुके हैं। मैक्सवेल को जो है थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हेल्थ का प्रॉब्लम है, जिसके चलते मैक्सवेल जो है थोड़े समय के लिए हमको क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों ऐसे में जो है अब बात करते हैं जो तीसरा मुकाबला होने वाला है श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट कौन है। तो भाई यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे T20 मुकाबले में मैक्सवेल के बदले में डार्सी शॉर्ट को रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया। तो भाई यहाँ पे जो है आजकल क्रिकेटर लोग के दिमाग में जो है काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है। हाल ही में जो हमने देखा कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने जो है इसी के चलते क्रिकेट से ब्रेक लिया मेंटल हेल्थ के चलते, और अभी जो है ग्लेन मैक्सवेल ने भी सेम प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ के चलते थोड़े समय के लिए क्रिकेट से दूरी बना ली है।
अभी जो है बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जिम्बाब्वे के क्रिकेट से। यहाँ पे जो है जिम्बाब्वे क्रिकेट के ऊपर हाल ही में बैन हटा। उनके जो है पूर्व कैप्टन हैमिल्टन मसकाजा को जो है जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने उनकी टीम का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन बना दिया है। मतलब ये जो है काफी अच्छी खबर आ रही है कि हैमिल्टन मसकाजा जो है अपनी टीम के साथ में लगातार जुड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे बिहाइंड द सीन। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन की भूमिका हैमिल्टन मसकाजा निभाते हुए दिखाई देंगे जिम्बाब्वे क्रिकेट में, और ये जो है काफी अच्छी खबर है। अब भाई दो खबर आ रही है साकिब को लेके। पहली खबर, साकिब अल हसन का जो होम टाउन है वहां से जो है भाई 700 लोगों ने मोर्चा निकाला आईसीसी के अगेंस्ट में कि साकिब के बैन को हटाया जाए। तो भाई ये जो है काफी बड़ा सपोर्ट साकिब के सामने आया है उनके फैंस को लेके, कि लगभग 700 लोग से ज्यादा जो है साकिब के सपोर्ट में रोड पे उतर आए हैं, मोर्चा निकाले हैं आईसीसी के अगेंस्ट में कि साकिब से बैन को हटाया जाए। सेकेंड खबर भाई, बहुत लोग जो है अभी भी कंफ्यूज है कि भाई क्या आखिरकार साकिब अल हसन T20 वर्ल्ड कप 2020 खेलेंगे कि नहीं। आप सभी के लिए बता दूं, साकिब जो है 29 अक्टूबर 2020 से जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन जो वर्ल्ड कप चालू हो रहा है अक्टूबर के महीने में, वहां से जो है आईसीसी ने साकिब को कम्प्लीटली रूल्ड आउट कर चुके हैं। तो भाई ये जो है काफी बड़ी खबर है कि साकिब अल हसन जो है T20 वर्ल्ड कप में भी हमको खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले है। अब भाई दो खबर आ रही है दिल्ली के T20 मुकाबले से, जहां पर जो है सौरव गांगुली जो है एक बात कंफर्म कर दी है, चाहे जितना भी पॉल्यूशन मौजूद रहे दिल्ली में, फर्स्ट T20 मुकाबला जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का होस्ट करेगी दिल्ली में ही। ये बात जो है गांगुली ने कंफर्म कर दी है। हम सभी को जो है फर्स्ट T20 मुकाबला दिल्ली में ही होता हुआ दिखाई देगा। सेकेंड खबर, आप सभी जो है देख सकते हैं फोटो में कि किस तरीके से जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी लिट्टन दास जो है अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाए है फिर फील्डिंग कर रहे है। इससे जो है भाई आप सभी अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में जो है फिलहाल कितना पॉल्यूशन है, और जो प्लेयर्स हैं अगर प्लेयर अपने चेहरे पे मास्क लगा के खेलते हैं तो आप सोचिए कि वहां की हालत क्या होगी रियल मैच के टाइम। तो भाई ये जो है काफी देखने वाली बात होगी। सौरव गांगुली एक बात तो कंफर्म कर दी है, चाहे कितना भी पॉल्यूशन हो दिल्ली ही होस्ट करेगी फर्स्ट T20 मुकाबला। अब भाई दो खबर आ रही है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज से। फर्स्ट खबर आ रही है भाई T20 सीरीज से, जहां पर दोस्तों कल होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट T20 मुकाबला, जिसके अंदर जो भाई दो T20 के डेब्यूटेंट इंग्लैंड की टीम ने अनाउंस कर दिए। फर्स्ट है पैट ब्राउन, सेकंड है सैम कुरन। तो भाई ये जो है दो नए खिलाड़ी, मतलब कि इनका जो है T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की टीम में डेब्यू होने वाला है वर्सेस न्यूजीलैंड। सेकंड खबर आ रही है भाई टेस्ट सीरीज से, जहां पे दोस्तों जो है इंग्लैंड की टीम ने डेरेन गूज को जो है टेस्ट सीरीज के लिए अपना फास्ट बोलिंग कंसल्ट रखा है। तो भाई यहाँ पे जो है डेरेन गूज इंग्लैंड के फास्ट बोलर की हेल्प करते हुए दिखाई देने वाले हैं न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज में। भाई अभी जो है सीधा खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया के कोच है जस्टिन लैंगर, ठीक है, लेकिन जो जस्टिन लैंगर के असिस्टेंट कोच है वो जो है बनाया गया है एंड्रू बैरी मैकडोनल। आपने जो है इनका नाम पहले सुना है, ये जो है हाल ही में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के नए हेड कोच बने हैं एंड्रू मैकडोनल। तो अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ने जस्टिन लैंगर का असिस्टेंट कोच एंड्रू मैकडोनल को बना दिया है, जो कि अभी जो है आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया के टीम के साथ में मिलजुल के काम करेंगे। भाई अभी जो है खबर आ रही है क्रिकेट साउथ अफ्रीका से, अच्छी खबर आ नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे जो है हाल ही में जो है एक दो दिन पहले जो है क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने जो है उनके 3 सीनियर मेंबर सपोर्ट स्टाफ को जो है बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उनके बीच में जो है आपसी मतभेद चल रहा है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल भी सही टीम जो है उनका मोराल चल नहीं रहा है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने जो है 3 सीनियर मेंबर को जो है सस्पेंड कर दिया है। अभी यहाँ पे जो है क्रिकेट साउथ अफ्रीका बोल रही है कि हम जो है मजांसी सुपर लीग के बारे में इंक्वायरी करेंगे और वहां से भी जो है कुछ मेंबर को निकालेंगे अगर उनके बीच में हालात ठीक नहीं हुए तो। भाई अगर मेरे से पूछा तो यहाँ पे जो है क्रिकेट साउथ अफ्रीका
बिल्कुल गिर चुका है, उनका जो डाउनफॉल है वो चालू हो चुका है, चाहे वो उनकी टीम हो, चाहे वो उनका बोर्ड हो, चाहे फिर वो उनका क्यों ना ही सपोर्ट स्टाफ ही क्यों ना हो। दोस्तों एट द एंड जो खबर आ रही भाई यूएई के विकेट कीपर गुलाम सब्बीर को, मैंने जो है आप सभी के एक जो है न्यूज दी थी कि भाई जो यूएई के विकेट कीपर है गुलाम सब्बीर वो जो है फिक्सिंग के चलते अपने देश को छोड़ के भाग चुके हैं। तब ऐसे में जो है यूएई के क्रिकेट बोर्ड ने जो है विकेट कीपर बैट्समैन गुलाम सब्बीर को जो है हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है फिक्सिंग में पकड़े जाने के चलते। लेकिन आप देखिए पकड़े जाने से पहले जो है गुलाम सब्बीर अपने देश को छोड़ के भाग गए, लेकिन क्या हुआ उनको एट द एंड सस्पेंड ही करना पड़ा। तो दोस्तों ये थी आज के दिन की सारी न्यूज मैंने आप सभी तक पहुंचा दी, और आप जो है इस वीडियो को ट्राई कीजिए कि 2K लाइक तक पहुंचाइए। और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो जल्दी जो है फॉलो कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।